हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर टीस्नेट। तो आज हम बात करेंगे एचआरएम कोर्स के बारे में, और जिन्होंने एचआरएम के लिए अप्लाई किया था वो बहुत सारे स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुए हैं। तो उनको ये क्वेश्चन था कि सर हमारा जीडी या पीआईटी क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो उससे पहले मैं बता दूं, मैं सारे कोर्सेज का भी पीआईटी के बारे में जिक्र करूंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। कैंपस वाइज बताऊंगा, जैसे कि तुलजापुर में 4 कोर्सेस है, हैदराबाद में ये कोर्सेस है, गुवाहाटी में होंगे क्या क्या पीआईटीज के टॉपिक या क्या पढ़ के जाओ पीआईटी में जो आपको इजी हो जाएगा आंसर करना। वैसे तो ऐसे गलती नहीं होती, जैसे ऐसे राइटिंग को गलत नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग ज़्यादा नॉलेज रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। तो बस यही जानना है, तो सभी का मैं वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले मुंबई कैंपस का वीडियो भी आएगा, तो वो तो बहुत बड़ा होगा, यानी कि 2-3 पार्ट में बनेगा वो। तो वो भी वीडियो देख लेना ज़रूर, मैं ज़रूर बना दूंगा। और पर्सनल इंटरव्यू के लिए तो मैंने अपना PDF तैयार कर लिया है, जो भी चाहते हो एनरोल करा सकते हो। sideeffectTISS@gmail.com में। अगर नहीं आपको मेल समझ आ रही है तो कमेंट करना, मेल में सेंड कर दूंगा, कमेंट में टाइप कर दूंगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन का क्या तरीका है, देखो आपका 45 मिनट का होगा ऐसे रिटन एंड ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो 45 मिनट का एक ग्रुप डिस्कशन होगा, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आपको ग्रुप में बांट दिए जाएंगे। तो समझ गए, जैसे कि अब 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं या 200 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, तो उनको आप कितने ग्रुप में डिवाइड करना है वो अपने तरीके से करेंगे। चाहे आपके ग्रुप में एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट होंगे, या एक ग्रुप में आपके 12 स्टूडेंट होंगे, या एक ग्रुप में आपके 6 स्टूडेंट होंगे, या एक ग्रुप में 20 स्टूडेंट होंगे, वो आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जीडी के लिए, लेकिन इसमें ऐसे राइटिंग भी है, असल में ऐसे राइटिंग भी होता है, ये मैं आपको बताना चाहता था लेकिन पहले नहीं बता पा रहा था क्योंकि अभी आपको एग्जामिनेशन की ज़रूरत थी। अब पीआईटी की बारी आ गई, तो इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो ऐसे रिटर्न होता है जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट प्रोवाइड किया है कि पीआईटी एंड पीआई सारे कोर्सेज का फॉर्मेट प्रोवाइड किया है ना ऑफिशियली, वो डाउनलोड करके आपने देखा है कि नहीं तो मेरी सारी वीडियो को देखो, उसमें मैंने दे दिया है। तो ऐसा ही था, ऐसे रिटर्न एंड ग्रुप डिस्कशन होगा। तो ऐसे रिटर्न भी है, ग्रुप डिस्कशन होगा। तो देखो क्या होता है कि अब जीडी होती है तो एक टॉपिक तो हमेशा रहेगा, कोई ना कोई तो एक टॉपिक रहेगा, उसी पे तो जीडी होगा। ये एचआरएम कोर्सेस के लिए है ये, ठीक है। तो जीडी की बात करूँ तो उसी टॉपिक पे होगा जीडी, जो टॉपिक जैसे कि एक एनवलप रहेगी। अब बोलते हैं कि आपके टॉपिक कैसे चुने जाएंगे, तो वो तरीका बहुत ही इजी रहता है कि एक एनवलप में आपका टॉपिक रहेगा। अब आपके ग्रुप से कोई स्टूडेंट उठ के जाएगा और उसे कोई सा भी एनवलप एक उठाएगा और उसी को एनवलप को आपको बोर्ड पे लिख दिया जाएगा और आप उसी पे जीडी कर सकते हो। ऐसे भी होता है प्रोसेस, अलग अलग तरीके के होते हैं, या आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये आपका टॉपिक है इसके बारे में बोलो, या एनवलप से निकाल के बोला जाएगा किसी स्टूडेंट को उठा के कि ये टॉपिक निकला गया है आपके लॉटरी टाइप जैसे, उस पर बोलो। ऐसे ऐसे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया, 50 मार्क्स का है, 45 मिनट का है दोस्तों, याद रखना। बहुत सारे बोलते हैं कितने मिनट चलेगा, कितने क्या होंगे, तो 45 मिनट का है। उसी में आपको नॉट मोर देन 200 वर्ड का एक ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। और उसके बाद आपको उसी टॉपिक पे डिस्कस करना है, सेम ग्रुप, याद रखना। हर ग्रुप का अलग अलग टॉपिक होगा, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त का पहला ग्रुप में टॉपिक है तो वो मुझे बता देगा तो मैं उसी टॉपिक पे कह दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी ग्रुप का अलग अलग टॉपिक होगा, ठीक है। और पहले आपको एक ऐसे लिखनी पड़ेगी 200 वर्ड की, ठीक है। अब वो 200 वर्ड की पैसेज आपको या कोई करंट इशू पे हो, या आपके कोर्स से रिलेटेड हो, या कोई सा भी बेसिक सा
टॉपिक होता है। देखो डिस्कशन में आपको हार्ड देकर या हार्ड टॉपिक देकर आपको डिस्कशन नहीं कराया जाता, बस आपको वो देखना चाहते हैं कि आप कितने अच्छे एक डिस्कशन करते हो एक ग्रुप में, आपके क्वालिटीज़ देखते हैं, क्वालिटी क्या बात करने का तरीका हो, या आपको कोई भी एक प्रॉब्लम इशू में दे दिया जाए तो आपको उसका सोल्यूशन कैसे दोगे, कोई सा भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे दोगे, तो वही ग्रुप में देखेंगे वो लोग। ऐसा नहीं है कि HRM कोर्सेज 75 कट ऑफ गया तो उनके लिए हार्ड कोई टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कारण कोई सा भी एक टॉपिक उठ जाए या कुछ भी, जैसे कि अभी चलता है कि क्या प्लास्टिक को बैन कर देनी चाहिए कि नहीं, ऐसा ऐसा टॉपिक कुछ भी करंट इशू हो या कोर्स से रिलेटेड हो वो आपको दे दिए जाएंगे। तो कुछ भी करंट इशू पढ़ते रहो और आपके जो थोड़ा GD का भी एक वीडियो मैं बना दूंगा कि GD में क्या गलती मत करना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि GD में मैं डर जाऊंगा। देखो GD टीचर आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना है, यानी कि जो आपके साथ सिलेक्ट हुए हैं, आपको टीचर के साथ वो पर्सनल इंटरव्यू में होती है, तो आप अपने ग्रुप में कैसे आप डिस्कस करते हैं वही तो उनको अच्छा वही उनको देखना जरूरी है, बस ये समझ के रखना। तो GD का कोई भी टॉपिक होगा उसी पे 200 वर्ड्स का एक टॉप ऐसे लिखना है, ठीक है, 200 वर्ड यानी कि समझ सकते हो, यानी कि करीब से करीब 10-15 लाइन 20 लाइन समझ लो, उसी पे टॉपिक पे लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, और उसी बात पे एंड देन वी विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्कस इन द सेम ग्रुप, ठीक है। तो सेम ग्रुप में होगा, द रिटर्न मटेरियल विल बी कलेक्टेड प्रियर टू स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो स्टार्ट ऑफ डिस्कशन के टाइम ही वो ले लिया जाएगा आपका जो लिख के दिए हो ऐसे राइटिंग, तो ऐसे राइटिंग का क्लियर हो गया, कोई सा भी टॉपिक आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि HRM के लिए कोई हार्ड टॉपिक रहेगा ऐसे, बस आपको बस नॉलेज रहनी चाहिए। अब आप क्या करोगे GD में, GD के लिए तो एक मैं वीडियो बना ही दूंगा, कुछ भी GD में बोलना तो ज़्यादा उसके बारे में गलत नहीं बोलना है, कुछ भी जैसे कि प्लास्टिक बैन के बारे में कोई पूछ दिया आपको तो आप बोलोगे कि पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं बोलना, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यही यही मत सोचना कि यही प्लास्टिक बैन आपका आ रहा है, बहुत सारे इशू है या आपके कोर्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है। पहले तो अपने कोर्स के बारे में जानो जो भी आपने अप्लाई किया है, क्योंकि अदर अदर एग्जामिनेशन कितने सारे 53 MA प्रोग्राम है वो भी जानो, कोई सा भी करंट इशू। अब देखो अब लॉटरी सिस्टम होगा तो ना टीचर जानेगा कि आपको क्या आपको मैं टॉपिक दूँ या आपको, अब उसी में से आपके कोई स्टूडेंट एनवलप उठाएंगे खोलेंगे पढ़ देंगे और लिख देंगे बोर्ड में, अब टॉपिक डिस्कस होगी, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो आपका ऐसे रिटर्न भी है और GD भी है, और ऐसे रिटर्न लिखने के बाद आपको जो लिखे हो वो ले लिया जाएगा। देयर विल बी ए कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रुप डिस्कशन फॉर 50 मार्क्स ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। द एप्लीकेंट विल रिक्वायर टू राइट ए पैसेज नॉट मोर देन 200 वर्ड ऑन गिवन टॉपिक एंड देन दे विल रिक्वायर टू डिस्कस द सेम इन ग्रुप, ठीक है। द रिटर्न मेटेरियल विल बी कलेक्टेड पीरियड टू स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, यानी कि जो भी आप लिखे हो वो GD से पहले ही आपको ले लिया जाएगा, और GD तक आपको दिया नहीं जाएगा कि आप पढ़ के बोलो, तो इजी वे में लेना, ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चाहे तो कैसे भी करके अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करना अपने ग्रुप डिस्कशन में। वो वीडियो आएंगी ज़रूर, और सारे लोगों का PITs का भी वीडियो आएंगे तो वो भी देख लेना। तो ऐसा मत सोचना कि मेरा कोर्स हार्ड है तो मेरे लिए कुछ टफ सा ऐसे रहेगा या कुछ भी टॉपिक दे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही ज़रूरी था आपको मुझे बताना। तो बाकी सब भी कोर्स के आएंगे तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा, और GD वाले भी वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा जल्दी। थैंक यू।